गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बी एड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत आज प्रश्नावली विधि का जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, हम उसकी स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम इसके प्रश्नावली विधि के गुण और प्रश्नावली विधि के दोष के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्नावली विधि के गुण। सबसे पहली बात है कि यह सरल विधि है। सरल विधि है। दूसरा इसका जो गुण है, मैं इसे यहां लिखती हूँ। दूसरा इसके जो गुण है कि अनेक व्यक्तियों को एक साथ प्रश्नावली हल करने के लिए देना। तो इसमें अनेक व्यक्ति को एक साथ हम प्रश्नावली हल करने के लिए देते हैं, इससे समय की बचत होती है। समय की बचत होती है। तीसरी इसका जो गुण है वो ये है कि इसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव है। तुलनात्मक अध्ययन संभव है, क्योंकि इसमें कई व्यक्ति का जब हम क्वेश्चनर भरवाते हैं तो कई व्यक्तियों द्वारा जब हम क्वेश्चनर विधि के अंतर्गत उसकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए जो हम कथन या प्रश्न देते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के हम मतों के या विचारों की हम तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आती है कि इस विधि में व्यक्तित्व के किसी भी गुण का मापन संभव है। यानी इस विधि के द्वारा हम व्यक्ति के अंदर जो भी व्यक्तित्व संबंधी गुण है हम उसका मापन कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत अब हम इसके दोष देखते हैं कि दोष इस विधि में क्या क्या है। अब इस विधि के दोष, तो दोष के अंतर्गत सबसे पहला दोष है कि इसमें व्यक्ति कुछ प्रश्नों के ही उत्तर देता है, बाकी प्रश्नावली खाली छोड़ देता है। क्योंकि ये व्यक्तित्व का मापन करती है तो जो उसके अनुकूल होते हैं प्रश्न, उन्हीं के अनुरूप ही वह उन्हीं प्रश्नों का ही उत्तर देता है और बाकी जो है वो प्रश्न वो खाली छोड़ देता है। दूसरा इस विधि के जो दोष है वो ये है कि इस विधि में कभी कभी प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझने प्रकार से
नहीं समझने के कारण सही उत्तर प्राप्त नहीं होते। सही उत्तर प्राप्ति नहीं होती है, तो ये इसका भी ड्रॉबैक है। और कभी कभी व्यक्ति लापरवाही और जानबूझकर सही उत्तर नहीं देते हैं। तो जानबूझकर के ये, इससे मेरी जो व्यक्तित्व संबंधी बात है, मेरे अवगुण या दोष सभी को पता चलेंगे, तो इस कारण भी लापरवाही और जानबूझकर के सही उत्तर नहीं देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली विधि के जो दोष है, जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी को मेजरमेंट करती है, तो इस संदर्भ में वुडवर्थ महोदय है, मैं इसको बता देती हूँ पहले, वुडवर्थ ने कहा है उन्होंने, प्रश्नावली विधि जो व्यक्तित्व मेजरमेंट के लिए की जाती है, उनके लिए कहा है कि यदि प्रश्नों की रचना, यदि प्रश्नों की रचना सावधानी सावधानी से की जाए तो प्रश्नावली प्रश्नावली या प्रश्नावलियों में बलियों से पर्याप्त रियो में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है। तो ये वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि यदि हम जब प्रश्नों की रचना ही सही प्रकार से करें, तो हमें जो भी प्रश्नावलियों में जो हम सूचनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण या विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सूचनाएं प्रश्नावलियों के अंतर्गत पर्याप्त रूप से विश्वसनीय होती है। तो इस दृष्टि से उन्होंने बहिर्मुखी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी मुखी व्यक्तित्व व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण हेतु प्रश्नावली बनाई है, जिसमें उन्होंने कुछ प्रश्न बनाए हैं और उन प्रश्नों का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, प्रश्नावली का जो उदाहरण है, हम उदाहरण ले लेते हैं इसे, उदाहरण जो दिया है उन्होंने, उनमें उन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं। तो वो प्रश्न इस प्रकार है कि क्या आपको आपको लोगों के
लोगों के समूह समूह के सामने सामने बातें करना अच्छा लगता है। ये उन्होंने प्रश्न पूछा। दूसरा उन्होंने बताया कि आप दूसरों के जो भी कथन है उससे सदैव सहमत रहते हो तो क्या आप दूसरों की बातों से सहमत रहने का प्रयास करते हैं? तीसरा उन्होंने बताया कि क्या आप आसानी से मित्र बना लेते हैं? क्या आप आसानी से मित्र बना लेते हैं? चौथा उन्होंने बताया कि क्या आप परिचितों के बीच क्या आप परिचितों के बीच स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं? का अनुभव करते हैं? नेक्स्ट मैं ये मिटा देती हूँ। नेक्स्ट उन्होंने फिफ्थ पॉइंट है, मैं यही लिखती हूँ ताकि कुछ उधर आ जाएंगे। फिर क्या आप सामाजिक समारोह में नेतृत्व करना चाहते हैं? क्या आप सामाजिक समारोह में नेतृत्व करना चाहते हैं? सिक्स जो उन्होंने बात कही है, जो प्रश्नावली है उसमें, कि क्या आप इस बात से परेशान हैं? क्या आप इस बात से परेशान है कि लोग आपके बारे में कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये उनका फिर सेवंथ स्टेटमेंट उन्होंने दिया। क्या आप दूसरे या दूसरों के इरादों पर शक करते हैं? एट उन्होंने जो बताया कि क्या आप में निम्नता की भावना है? क्या आप में निम्नता की भावना है? नाइन्थ उन्होंने जो बात कही कि क्या आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? और जो टेंथ उन्होंने जो बात कही, मैं 10 नंबर का जो कथन है
मैं वो यहाँ लिख रही हूँ। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है, क्या आपकी भावनाओं को जल्दी ठेस लगती है? क्या आपकी भावनाओं को ठेस लगती है? तो ये उन्होंने 10th जो है उदाहरण दिए, जिसके आधार पर ये 10th जो स्टेटमेंट है या क्वेश्चंस हैं जो प्रश्नावली के अंदर हम प्रयुक्त करते हैं, तो इन 10th क्वेश्चंस के अंतर्गत हम व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो आगे वुडवर्थ महोदय ने बताया कि इसमें से जो प्रश्न है, यदि 5 प्रश्नों पर, शुरू के जो 5 प्रश्न है, ये जो 5 प्रश्न है, यदि व्यक्ति इस पर हाँ उत्तर देता है तो यह उसके व्यक्तित्व का, ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। जो व्यक्ति इन 5 प्रश्नों के उत्तर में हाँ कहता है तो यह बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। तो अगर इन 5 प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति हाँ में देता है तो, और नेक्स्ट जो ये 5 प्रश्न है, ये और एक ये 10th 10, तो इन 5 प्रश्नों में यदि व्यक्ति हाँ कहता है तो ये व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार वुडवर्थ महोदय ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्नावली के अंदर हम किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश कर सकते हैं ताकि उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली विधि से संबंधित जो भी बातें थी हमने वो आज देखी। अब नेक्स्ट जो विधि होगी पर्सनैलिटी के मेजरमेंट के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है आप लोगों का वो यही होगा। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रश्नावली विधि के गुण एवं दोष बताते हुए वुडवर्थ द्वारा बताई गई प्रश्नावली का उल्लेख कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर में ही रहिए। राज्य सरकार के द्वारा जारी समय समय पर जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसका पालन करना अनिवार्य है। फेस पे मास्क लगा के रखिए। अभी कोरोना बहुत ज्यादा एयर में भी स्प्रेड कर रहा है तो बचाव ही उपाय है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।